हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे मुंबई में बढ़ रहा है खसरे का प्रकोप। मुंबई में बीते कुछ दिनों से खसरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बीते एक माह में शहर में खसरे के कुल 84 मामले सामने आए हैं। बृहन मुंबई नगर निगम ने अचानक से बड़े खसरों के मामलों के कारण घर घर जाकर बीमारी से ग्रसित संदिग्ध बच्चों की पहचान करना शुरू कर दिया है। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करती है। खसरा संक्रमित बच्चे या वयस्क के नाक और गले में पाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। ये देश में छोटे बच्चों में मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। हालांकि खसरे का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन इस बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए एक टीका है। देश में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत खसरे के टीके का भी टीकाकरण किया जाता है। जब कोई खसरे से पीड़ित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है तो संक्रामक बूंदें हवा में फैल जाती हैं। ये संक्रामक बूंदें लगभग एक घंटे तक हवा में रह सकती हैं। खसरे के मुख्य लक्षण बुखार, सूखी खांसी, बहती नाक, गले में खराश और दाने हैं। खसरे के संपर्क में आने के लगभग 10 से 14 दिनों के बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं। खसरे द्वारा संक्रमित बच्चे की स्थिति खराब पोषण, विटामिन ए की कमी और बच्चे की प्रतिरक्षा में कमी के कारण और अधिक गंभीर हो जाती है, जो मृत्यु का कारण भी बन सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार खसरे से पीड़ित एक संक्रमित बच्चा संक्रमण की शुरुआत से लगभग 8 दिनों तक दूसरे सामान्य लोगों में ये वायरस फैला सकता है।